करते हुए जो प्रेजेंटेशन यहां दिया गया उससे भी कई अहम पहलू हमारे सामने आए हैं। दुनिया के अधिकांश देश और दुनिया में देश ऐसे हैं कोरोना की स्थिति को सामने कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए, हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है, और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं, कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं, लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है, हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए, इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस, इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक
और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटीपीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है, जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटीपीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टीयर टू और टीयर थ्री शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे, लेकिन टीयर टू टीयर थ्री सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी, और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वायरस का स्प्रेड डिस्प्रेस्ड मैनर में हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब पूरा देश ट्रेवल के लिए खुल चुका है, विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, इसलिए आज हर एक केस के ट्रेवल की, उसके कॉन्टैक्ट के ट्रेवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साझा करना जरूरी है। आपस में जानकारी साझा करने के लिए किसी नए मैकेनिज्म की जरूरत लगती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। इसी तरह विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट के सर्वेलेंस के लिए एसओपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है। अभी हमारे सामने कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स को भी पहचाने और उनके प्रभावों का आकलन भी का भी एक प्रश्न है। आपके राज्यों में आपको वायरस के वेरिएंट का पता चलता रहे इसके लिए भी जीनोम सैंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही अहम है। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है, यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहे ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए।
हमारे यहां वेस्टेड नहीं होने देंगे। एक बार कोशिश करेंगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, उतने ही ज्यादा। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट्स, एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड द प्राइवेट सेक्टर, द थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और CDRI इज टेकिंग प्लेस एट एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम। वी आर विटनेसिंग एन इवेंट दैट इज बीइंग टर्म ए वंस इन अ 100-year डिजास्टर। COVID-19 पेंडेमिक हैज टॉट अस दैट इन एन इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड नो कंट्री रिच और पुअर इन द ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ और साउथ इज इम्यून टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल डिजास्टर्स। इन द सेकेंड सेंचुरी AD द इंडियन स्कॉलर सेज नागार्जुना रॉट वर्सेस ऑन डिपेंडेंट अराइजिंग प्रतीत समुत्पाद ही शोड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। दिस वर्क शोज द मैनर इन विच ह्यूमन लाइफ अनफोल्ड्स इन द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड्स। इफ वी डीपली अंडरस्टैंड दिस एंशियंट विजडम वी कैन रिड्यूस द वल्नरेबिलिटीज ऑफ अवर करंट ग्लोबल सिस्टम। ऑन वन हैंड द पैंडेमिक हैज शोन अस हाउ इम्पैक्ट कैन क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑन द अदर हैंड इट हैज शोन हाउ द वर्ल्ड कैन कम टूगेदर टू फाइट ए कॉमन थ्रेट। वी शो हाउ ह्यूमन इंजेन्यूटी कैन सॉल्व इवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। वी हैव डेवलप्ड वैक्सीन्स इन अ रिकॉर्ड टाइम। द पैंडेमिक हैज शोन अस दैट इनोवेशन टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। वी नीड टू फोस्टर अ ग्लोबल इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स इनोवेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स ट्रांसफर टू प्लेसेस दैट आर मोस्ट इन नीड। द ईयर 2021 प्रॉमिसेस टू बी ए ईयर ऑफ स्विफ्ट रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक। द लेसन्स फ्रॉम द पैंडेमिक हाउएवर मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन। दे अप्लाई to not only public health disasters but other disasters as well. We have a looming climate crisis. As the UN environment chief recently said, there is no vaccine for the climate crisis. It will take sustained and concerted efforts to mitigate climate change. We also need to adapt to changes that are already being observed and are affecting communities around the world. In such a context, the importance of the coalition has become even more evident. If we can make our investment in infrastructure resilient, it can be a centerpiece of our wider adaptation efforts. Countries that are making large investment in infrastructure, such as India, must ensure
that this is an investment in resilient and not in risk. But as the events of recent weeks have shown, this is not a developing country problem alone. Just last month, the winter storm Uri knocked out around 1/3 of electricity generating capacity in Texas, United States. Almost 3 million people were left without power. Such events can happen anywhere. While the complex causes of the blackout are still being understood, we must learn lessons and preempt such scenarios. Many infrastructure systems, digital infrastructure, shipping lines, aviation networks cover the entire world. Effect of the disaster in one part of the world can quickly spread across the world. Cooperation is a must for ensuring the resilience of the global system. Infrastructure is developed for the long term. If we make it resilient, we will prevent disasters not only for ourselves, but many future generations. When a bridge is lost, a telecom tower falls, power system fails, or when a school is damaged, the loss is not just the direct damage. We should look at losses holistically. Indirect losses due to disruptions to small businesses and interrupted schooling of children may be several times higher. We need the right accounting perspective for a holistic evolution of the situation. If we make our infrastructure resilient, we will reduce both direct and indirect losses and protect the livelihoods of millions. In CDRI's formative years, we are grateful to have the leadership of the United Kingdom alongside India. In the year 2021 is a particularly important year. We are approaching the midpoint of the Sustainable Development Goals, the Paris Agreement, and Sendai Framework. The expectations from COP26 to be hosted by the UK and Italy later this year are high. This partnership on resilient infrastructure must play its important role in helping meet some of those expectations. In this regard, I would like to share a few key areas that need to be accorded priority. First, CDRI must embody the central promise of the Sustainable Development Goals, that is, leave no one behind. This means that we have to put the concerns of the most vulnerable nations and communities first. In this regard, the small island developing nations that are already experiencing the impact of worsening disaster must have easy access to all the technology, knowledge, and assistance that they consider necessary. We must have the capability and support to adapt global solutions to the local context. Second, we must take stock of the performance of some of the key infrastructure sectors, particularly health infrastructure and the digital infrastructure that played a central role during the pandemic. What are the lessons from these sectors? And how can we make them more resilient for the future? At the national and sub-national level, we have to invest in capabilities
for integrated planning, structural design, availability of modern materials and a large number of skilled personnel in all infrastructure sectors. There is need for research and development in all these areas. Third, in our quest for the resiliency, no technological system should be considered too basic or too advanced. The CDRI must maximize the demonstration effect of the application of technology. In Gujarat, we built India's first hospital with bed isolation techniques. Now, bed isolators for earthquake safety are manufactured in India itself. In the current context, we have many more opportunities. We must harness the full potential of geospatial technologies, space-based capabilities, data science, artificial intelligence, material science, and combine it with local knowledge to pursue resilience. And finally, the notion of resilient infrastructure must become a mass movement, galvanizing the energies of not just the expert and formal institution, but also communities and particularly the youth. A social demand for resilient infrastructure will go a long way in improving compliance to standards. Investing is a key aspect of this process. Our education system must enhance the awareness of specific hazards and their possible impact on infrastructure. In closing, I would like to say that CDRI has set a challenging an urgent agenda for itself, and it will be expected to demonstrate result very soon. In the next cyclone, in the next flood, in the next earthquake, we must be able to say that our infrastructure systems are better. If damage we should be able to restore services quickly and build back better. In our quest for resilience, we are all in the same boat. As the pandemic has reminded us, no one is safe till everyone is safe. We have to ensure that we leave no community, no place, no ecosystem, no economy behind. Just as the fight against the pandemic mobilized the energies of the world's 7 billion people, our quest for resilience must build on the initiative and imagination of each and every individual on this planet. Thank you. Thank you very much.